चलो शुरू करते हैं वर्षा। कल फ्राइडे को मैंने किसी को याद है वर्स 5 दिया था या 6? ओ तुमने भेजा भेजा था फोटो, तो फिर मैं देखती हूँ। लेकिन फोटो नहीं भेजा था ना तुमने? हाँ, मैं कुछ फोटो नहीं भेजा। मैंने भी आज का भेजा नहीं है रखनी है। वैसे आज गीतम 5 नहीं 4 पर आज हम लोग आज प्रभात लता मंदिर में ये मैंने गाया था। ये लास्ट टाइम याद नहीं आ रहा बिल्कुल। कोई नहीं आ रहा So I'll start with verse 5. आज प्रभात लता मंदिर सुख वर्षत अति हर्षी जुगल वर। आज प्रभात लता मंदिर में सुख वर्षत अति हर्षी जुगल वर। गौर श्याम अभिराम रंग भरे लटकी पग धरत अवनी पर कुछ कुमकुम रंजित मालावली सुरत नाथ श्री श्याम धाम भर। प्रिया प्रेम के अंक अलंकृत चित्रित चतुर शिरोमणि निज कर दंपति अति अनुराग मुदित कल गान करत मन हरत परस्पर जय श्री वित हरिवंश प्रसंसि परायण गायन अलि सुर गीत मधुर कर। आज प्रभात लता मंदिर में सुख वर्षत अति हर्षि जुगल वर। चलो सविता जगन्नाथ अष्टकम गाते। आज गा दूंगी मैं बाहर। स्मिता जी हैव टू टर्न ऑन योर वीडियो। ठीक करती हूँ एक सेकंड।
आप गा दो, आज मैं बाहर हूँ। हाँ गा रहे गा रहे गा रहे, जगन्नाथ अष्टकम निकाल रहे हैं। कदाचित् कालन्दीतट विपिनसङ्गीतकरवो मुदाभीरिनारी वदनकमलास्वादमधुपः रमाशम्भुब्रह्मामरपति गणेशार्चितपदो जगन्नाथस्वामी नयनपथगामी भवतु मे भुजे सव्ये वेणुं शिरसि शिखिपेच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दा वनवसति लीला परिचयो जगन्नाथस्वामी नयनपथगामी भवतु मे महाबोधे स्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन् प्रासादान्तः सहजबलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थः सकलसुरसेवावसरदो जगन्नाथ मुखः सुरेन्द्रैराराध्य फिर से बोल देती हूँ कृपापारावारा सजल जल दशेणी रुचिरो रमावाणी रामः स्फुरद अमला पंके रुह मुखः सुरेन्द्रैराराध्य श्रुतिगणशिखा गीतचरितो जगन्नाथस्वामी नयनपथगामी भवतु मे रथारूढो गच्छन् पथिमिलितभूदेवपटलै स्तुतिप्रादुर्भावं प्रतिपदम् उपाकर्ण सदयः दयासिन्धुर्बन्धो सकलजगतां सिन्धुसुतया जगन्नाथस्वामी नयनपथगामी भवतु मे परब्रह्मापीणः कुवलयदल्लोत्फुल्लनयनो निवासी नीलाद्रौ निहिति चरणोनंत शिरसि रसानंदो राधा सरसवपुर आलिंगन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे न वैयाचे राज्यम न च कनक माणिक्य विभवम् न याचेऽहं रम्यां सकलजनकाम्यां वरवधुं सदा काले काले प्रमथपतिना गीतचरितो जगन्नाथस्वामी नयनपथगामी भवतु मे हरत्वं संसारम् द्रुततरम् असारं सुरपते हरत्वं पापानां
विततिम पराम यादव पते अहो दीने नाथे निहित चरणो निश्चितम मिदम जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ अष्टकम पुण्यम य पठेत प्रयत शुचिः सर्व पाप विशुद्धात्मा विष्णु लोकम स गच्छति। प्रार्थना शुरू करते हैं। पहले सुखदेव जी को एक बार याद कर लेती हूँ, जो उन्होंने गोपी गीत में रास पंचाध्याय में जो श्लोक कहा है। विक्रीडितं व्रजवधूभिर् इदं च विष्णुः श्रद्धान्वितो अनुशृणुयात् अथा वर्णयेद् यः भक्तिं परं भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृद्रोगाशु अपहिनोति अचिरेण धीरः। सुखदेव जी कहते हैं कि जो कोई भी भगवान की इन केलियों को, इन रास की लीलाओं को जो उन्होंने गोपियों के साथ वृंदावन में की है, यदि कोई उनको श्रद्धा पूर्वक कहता है, डूब करके सुनता है, डूब करके कहता है, तो उनको बहुत शीघ्र ही भगवान के चरणों के प्रति भक्ति मिलती है, विशुद्ध भक्ति मिलती है। और इतना ही नहीं, बहुत जल्दी वो धीर हो जाते हैं और उनके हृदय में जो भी ये कली का कलमश जो भरा पड़ा है वो सब निकल जाता है। बस उसी को याद करके हम लोग गीत गोविंद पढ़ने वाले हैं। ये इन रसिक गीत गोविंद जो रोज पढ़ेंगे, कह रहे हैं कि उनके हृदय के जितने कलमश हैं वो साफ हो जाएंगे। तो इस प्रकार से बस इन दोनों जनों की वाणी और रसिक संतों के को सुनाने के लिए, जगन्नाथ जी को सुनाने के लिए हम लोग इसका पठन पाठन कर रहे हैं। अधिकारी हम लोग है नहीं, ये बात अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन अगर रसिकों की, संतों की, वैष्णवों की कृपा हो गई, हमारे बोलने से कुछ किसी को अच्छा लग गया, उनके हृदय के राधा माधव प्रसन्न हो गए, उनका आशीर्वाद हमको मिलेगा, हमारी भक्ति अच्छी हो जाएगी। बस इसी लालसा से एक सेवा के रूप में जगन्नाथ जी को और जगन्नाथ जी के रसिकजनों को, उनके हृदय में बैठे माँ राधा माधव को, जगन्नाथ जी को हम ये समर्पित करते हैं। गोपियों ने कहा, गोपियों को भी स्मरण कर लेते हैं। गोप्य हुचुः अक्ष्मणताम फलम इदम् न परम विदामः सख्यः पशुन् सख्य पशुन् पशूननु विवेश्यतोर्वयस्य हि वक्त्रं व्रजेश सुतयोर अनुवेणुजुष्टं यैर्वा निपीतमनुरक्त कटाक्षमोक्षम्। इन आंखों की, इन नेत्रों की, नेत्रों को धारण करने का फल ही यही है कि ये नेत्र महाराज नंद के पुत्र कृष्ण और बलराम को के दर्शन करे। जब ये गोचरण के लिए निकलते हैं, मुंह में बांसुरी पधराए हुए और गायों को लेकर के, जब ये प्यार की दृष्टि सब वृंदावन वासियों पर डालते हैं, तो वृंदावन वासी जिस प्रकार से धन्य होते हैं, बस नेत्र धारण करने का फल उन्हें मिल जाता है। और उसी प्रकार से वक्त्रम ब्रजेश सुतियोर, ये नेत्र उसी प्रकार से जब गोचरण करते हुए जब कृष्ण आते हैं और उनको राधा रानी से मिलने का मन करता है, वो वेणु बजाते हैं, सारी गैया सब कुछ में स्तब्ध हो जाते हैं और गैयों के
गैया जब चलती हैं तो खुर में जो धूल उड़ती है, उस धूल का ओट लेकर के, उस धूल की आड़ में कृष्ण निवृत्त निकुंज में जाते हैं और राधारानी से मिलन करते हैं। और जब ये दोनों जब उस निकुंज से बाहर निकल करके जब प्यार भरी दृष्टि से सखियों को देखती हैं, गोपियों को देखती हैं, तो उनको लगता है कि नेत्रों को धारण करने का फल मिल गया है। बस उसी भाव में हम लोग इस गीत गोविंद में गीत गोविंद का पाठ करने वाले हैं। एक बार हम लोग राधा रानी को भी याद कर लेते हैं राधा रसुदा निधि के कुछ श्लोकों से और फिर आगे बढ़ेंगे। यस्याह कदापि वस्नांचल खेलनोत्थ नन्याति धन्य पवनेन कृतार्थ मानी योगिंद्र दुर्गम गति मधुसूदनो अपि तस्या नमस्तु वृषभानुभुवो दिशे अपि राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत्त खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में। राधा रानी के कुछ गुण। वैदग्ध्य सिंधु अनुराग रसैक सिंधुर वात्सल्य सिंधुर अति सांद्र कृपैक सिंधु लावण्य सिंधुर अमृत छवि रूप सिंधु क्षीराधिका स्फुरतु मेरिदि केलि सिंधु। बस अब राधा रानी को याद करते हुए अब हम लोग गीत गोविंद के जो मंगलाचरण के श्लोक हैं उसको स्मरण करते हैं। मेघैर मेदुरम अंबरम वन भुवः श्यामस्तमालद्रुमैर नक्तम भीरुरयम् त्वमेव तदिदं राधे गृहं प्रापय इत्थं नंदनि देशकश्चलितयोः प्रत्यध्वकृञ्जद्रुमं राधा माधवयोर्जयन्ती यमुना कुले रहः केलयः। ये जो यमुना कुल में यमुना के प्रांत में यमुना कुल में वृंदावन में निकुंज निवृत्त में और निकुंजों में जो राधा माधव की जो केलियां हो रही हैं उन केलियों की जय हो जय हो जय हो। वागदेव चरित चित्रित चित्त सद्मा पद्मावती चरण चारण चक्रवर्ती श्री वासुदेव रति कला केली कथा समेतम करोति जय देव कवि ही प्रबंधम यदि हरि स्मरणे सरसं मनो यदि विलास कला सुकुतूहलम मधुर कोमल कांत पदावलिम शुणुं तदा जय देव सरस्वतीम। यदि आप लोगों को श्री कृष्ण के और श्री राधा रानी के इनकी जो केलियां हैं यदि इन केलियों के स्मरण में अनुराग है तब तो आप इन केलियों को सुनिए, यदि उनकी रति विलास कलाओं में आपको कुतूहल है तब तो इन पदावलियों का आप पाठ कीजिए। ये मधुर कोमल कांत पदावलियां हैं और जयदेव जी की वाणी ने इसको लिखा है। आपके अंदर यदि आप रस की उपासना करने वाले रसिक हैं जिनको ये भाव अच्छे लगते हैं तब तो आप रस की उपासना कीजिए, इन भावों को पढ़िए और जगन्नाथ जी को समर्पित कीजिए, यही इसकी साधना है। हम लोगों ने इतने दिनों से बहुत सारे अष्टपदी का को पढ़ा जो प्रथम सर्ग में आता है, प्रथम सर्ग जिसको हम कहते हैं सामो दामोदर, उसकी हमने अष्टपदियों को पढ़ा। आज हम लोग चौथी वाली अष्टपदी पर जाने वाले हैं, चंदन चर्चित नील कलेवर पीत वसन वनमाली। पिछली बार हमने पढ़ा था, आप लोगों को स्मरण होगा, वसंत ऋतु आई थी, वसंत ऋतु आई है, हमारी तो ये नित्य चलने वाली लय है, वसंत ऋतु आई है और खूब सुंदर वहां पर पुष्प खिले हैं, केतकी के पुष्प खिले हैं और आम्र वृक्ष आम्र के जो फूल हैं वो खिले हुए हैं, रोजेस पटल पाटल वो खिले हुए हैं और चंपा जूही बेला लवंगलता इत्यादि बहुत पुष्प खिले हुए हैं और पलाश के फूल खिले हुए हैं और सभी फूलों का सखी वर्णन कर रही है राधा रानी को। जाने राधा रानी वहां जा रही हैं लेकिन थोड़ी ही देर में उनको सीन बदला था, वसंत ऋतु आई और भगवान वहां से गायब हो गए और वहां कहीं भगवान दिखाई नहीं दे रहे थे, तो राधा रानी को विरह हो गया। जब विरह उनको हो गया तो वो चल नहीं पा रही थी, विरह जनित ज्वर से तपित होकर के वो बिल्कुल कहीं चल नहीं पा रही थी, तो चल नहीं पा रही थी तो उन्होंने अपने हाथ को ललिता सखी के कंधे पर रखा। हमने ललिता सखी का भी स्मरण किया था क्योंकि वो प्रेम की आचार्य हैं, उनकी उनकी कृपा न हो तब तक कहते हैं कि
श्रीमती राधा के चरण कमल के गंध भी नहीं मिल सकते। तो ललिताचार्य, ललिता सखी आचार्य के रूप में है यहाँ पर, उन्हीं के कंधे पर हाथ रख करके राधा रानी चलने का प्रयास तो कर रही थी लेकिन चल नहीं पा रही। और ललिता सखी उनको फिर समझा रही कि राधे तुम क्यों यहाँ पर विरही जन की तरह की जैसे बैठी हो, चलो देखो कितना सुंदर वसंत ऋतु आया है और लाल जी हमारे पहुंच गए वहां पर ऑलरेडी, और लाल जी वहां पर बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही है, तुम चलो यहाँ पर मत रहो। उस प्रकार से वसंत ऋतु का वर्णन किया था और वो पढ़ने के बाद उसके जो कुछ पैराग्राफ हमने पिछली बार नहीं पढ़े थे तो आज उसको जरा एक बार पढ़ के फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। दर विदलित मल्ली वल्ली चंचत पराग प्रकटित पटवासैर्वासयन कान नानी इह हि दहति चेतः केतकी गंध बंधुः प्रसरद संबाण प्राणवद गंध वाहः। केतकी के केतकी को यहाँ पर याद कर रहे हैं और कह रही है कि सखी चलो केतकी के फूल में गंध बड़ी अच्छी होती है प्रेमियों के लिए, ये सब फूल बड़े अच्छे अच्छे हैं प्रेमियों के लिए, लेकिन यदि कोई विरह में होगा तो केतकी का फूल कांटे के जैसे लगेगा, इसलिए तुम इस प्रकार से विरह में मत हो। एक शैली है पूरी इनकी जयदेव जी की, वो पूरे अष्टपदी लिखेंगे और अष्टपदी लिखने के बाद अंत का जो पैराग्राफ होता है उसके बाद के पैराग्राफ उसमें वो जो अष्टपदी उन्होंने लिखी उसकी एक समरी जैसे उसको पूरा समराइज करते हैं। अब की ये जो जो अष्टपदी पहली अष्टपदी जो हमने कहा गाया था उसके बाद की ये समरी है कि सब कुछ बोल देना एक साथ इस पद में। तो कह रहे सखी सखी राधा जी के सम्मुख वसंत काल में प्रवहमाना मलय वायु की उद्दीपना का वर्णन करती हुई कह रही है कि पवन विरही जनों के लिए उनके हृदय को तापित करता है। देखो प्रेमी जन है तो पवन प्रेम की अग्नि को जलाएगा और प्रेम करने की इच्छा होगी, और अगर विरही जन है तो यही हवा, हवा से आग बढ़ती है ना, यही पवन उस विरह की आग को बढ़ाती है। तो कह रहे हैं कि पवन जो है ये कामदेव के तुल्य है, तो प्रेमियों के तो प्रेम को बढ़ाएगी लेकिन जिसको प्रेम नहीं मिलेगा उसको ये जला देगी, इसलिए विरही जनों को हृदय को तपा रही है और प्रेमियों को आनंदप्रद है। तो कह रही है तुम ऐसा मत करो, चलो यहाँ से विरही जन मत बनो, तुम विरही जनों के जैसी नहीं हो, विरही मत बनो। इस वसंत काल में मल्लिका लता इशत रूप से विकसित हो गई है, उसके उड्डीयमान पराग पुंज ही पटवास बन गए हैं और केत की प्रसन्नों की इस परिमल चूर्ण से वायु सुगंध से संपरिपूर्ण हो गई है, कामदेव के समान यह पवन भी विरही जने को संतप्त कर रहा है। देखो मौसम इतना अच्छा हो गया है, हर तरफ पुष्पों की सुगंध है, बहुत ही सुगंध है, केतकी इत्यादि फूल खिले हुए हैं, कामदेव ने बड़ा रमणीय इस समय पर वातावरण किया हुआ है, वसंत ऋतु है तो तुम यहां मत रहो चलो। अद्योत्संग वसद्भुजंग कवल क्लेशाधिवेशाचलम प्रालेय प्लवने छया अनुसरति श्रीखंड शैला निलह किंच स्निग्ध रसाल मौली मुकुलान्यालोक हर्षोदया दुनमिलन्ति कुहु कुहुरिति कल्लोतालः पीकानां गिरः। कह रही है ललिता जी राधा रानी को समझा रही है, हिमालय की बर्फीली वायु अति शीतल होने के कारण सुखदायी होती है किंतु वह स्वेच्छा से मलयाचल के चंदन वृक्षों से लपटे हुए सांपों के विषैले कवल या मुख श्वासों से मिलकर विरही जनों को अति कष्ट देने वाली होती है। स्निग्ध आम्र वृक्षों के मुकुल समूह देखने में हर्षोदय करते हैं परंतु उन पर होने वाली कोकिलाओं की कुहू कुहू ध्वनि अति विक्रांत होकर के उन्हीं विरही जनों के लिए दुस्सह हो जाती है। तो कह रहे हैं समझ में आ रहा है कि ठंडी हवा तो होती है हिमाचल से जो आ रही है, ठंडी ठंडी हवा वो अच्छी लगती है पहाड़ों की हवा, लेकिन मले पर्वत से चंदन के वृक्षों को छूती हुई, मले पर्वत चंदन के लिए प्रसिद्ध है, तो चंदन को छूती हुई मले पर्वत से आती हुई हवा चंदन के गंध को जब लेकर के आती है, यदि कोई प्रेमी बैठे हो तो वो मंद
मंद जो हवा बहती है और उसकी सुगंध आहा प्रेमियों के हृदय को बड़ा आनंदित करती है। लेकिन विरही जनों को कैसा लगता है? उसी चंदन पे नाग रहते हैं, उसी चंदन पे सर्प रहते हैं। तो यही हवा विरहियों को ऐसी लगती है कि मत बहे हवा, तू अब तू चंदन का चंदन लेकर के नहीं आ रही, तू चंदन के ऊपर जो लिपटे हुए नाग है उसका विष लेकर के तू आ रही है, मुझे तू बड़ी विषैली लग रही है, हवा तू बंद हो जा, क्यों मुझे विष दे रही है, हवा में विष व्याप्त हो गया है, ऐसा विरही जनों को लगता है। प्रेमियों को चंदन की सुगंध वही हवा है, लेकिन विरही जनों को विष व्याप्त पवन। जब आम्र वृक्ष पर खूब मंजरिया खिलती है आम्र की, आम की, तो उस पर बहुत भौरे आते हैं, मधुमक्खियां आती हैं, और इतना ही नहीं है उसके ऊपर कोयले आती हैं, बैठती हैं, खूब गीत गाती हैं। तो प्रेमी जन रहेंगे तो उनको तो ये सब देख करके बड़ा आनंद आता है, निर्लज हो जाते हैं, प्रेम करने लग जाते हैं, वन पूरा हंसता है उनके ऊपर, ये कैसे निर्लज हो गए। लेकिन वन ही ऐसा बन गया है, मौसम ही ऐसा बन जाता है कि प्रेमियों के मन में प्रेम जगा है। तो प्रेमियों के लिए तो वो कोयल की आवाज, आहा हा कितनी मीठी कोयल की आवाज है, कितने प्यारे प्रेम के गीत गा रही है, ऐसा लग रहा है। लेकिन यदि कोई विरही रहेगा, विरही विरह है किसी को, जिसका प्रेमी उसके पास नहीं है, उसे लगता है कोयल बंद कर कू कू करना, मुझे कानों में चुभ रहा तेरी आवाज, चुभ रही है तेरी आवाज, बंद कर, भौरों की गुंजार उफ कानों में शोर जैसे लग रही है, क्यों बोल रहे हैं ये लोग, चुप रहो। इस प्रकार उन्मीलन मुक्त मुक्त गंध लुप्त मधुपव्याधुत चूतांकुर क्रीडत कोकिल काकल कल कलैरुदगीर्ण कर्णज्वराः पथिकैः कथम कथमपि ध्यानवधान क्षणा प्राप्त प्राण समासमागम रसोल्लासैरमी वासरः। वसंत ऋतु में प्रस्फुटित पुष्पों के पराग सुगंध के लोभी भ्रमरों से आंदोलित आम्र मंजरी पर क्रीड़ा करती हुई कोयलों की जो मधुर ध्वनि का कोलाहल है, वो प्रवास में रहने वाले नायकों में कर्ण ज्वर पैदा कर देता है, अति संताप पैदा करता है उनके हृदय में। अपनी प्रियतमा से होने वाले समागम का प्रतिक्षण चिंतन होने लगता है, अतः उनके लिए वसंत के दिन समूह बड़े कष्ट में जैसे तैसे बिताए जाते हैं। अब तक जो भावनाएं थी पहले वाली, सखियों के लिए थी, राधा रानी के लिए थी, विरही विरही जन कर रहे थे कि हम राधा रानी दुख में हैं और सखी उनको समझा रही है कि ऐसी विरही जनों की ऐसी हालत हो जाती है यदि वो वसंत ऋतु में अपने नायक को नहीं मिलते तो। लेकिन अब यहाँ पर जो कह रहे हैं कि नायक की भी दशा वैसे ही होती है, ऐसी नहीं कि केवल नायिका की दशा ऐसी होती है। तो जो नायक प्रवास में है तो कहीं और बैठे हैं वो, और वहां पर वसंत ऋतु आई और वहां पर कोयल की आवाज उनको सुनाई देती है, तो उनके मन में भी ऐसी विरह होने लगती है। उन्हें भी लगता है अब जाकर के मैं अपने प्रेमास्पद के पास जाऊं, अपने प्रेसी के पास जाऊं, प्रियतमा के पास जाऊं। उन्हें भी कोयल की आवाज उतना ही पीड़ादायक लगती है, उतनी ही पीड़ादायक लगती है। तो यहां पर कहने का अर्थ है राधा रानी ही इस पीड़ा से नहीं है, पीड़ा को अकेले नहीं सह रही है, वहां कृष्ण भी इस पीड़ा को सह रहे हैं। तो ये जयदेव जी अभी पहले बता चुके हैं, बता रहे हैं हमको धीरे से कि ऐसे लग रहा है वसंत ऋतु आई है और कृष्ण कहीं और है, राधा यहाँ पीड़ा में। अब कहीं कोई कहेगा अरे अभी तो साथ गए थे, इतनी जल्दी विरह हो गया, अब कृष्ण चले कहाँ गए ऐसे? तो ऐसा बात है कि कृष्ण माधव को ऐसे लगा कि मैं राधा रानी के लिए बड़ी सुंदर निकुंज सजाऊं, अपने जैसा निकुंज सजाऊं। तो राधा रानी को थोड़ी देर छोड़ करके निकुंज में गए हैं देखने के लिए कि सब व्यवस्था अच्छी है कि नहीं। जब कोई शो शुरू होता है पर्दा खुलने के पहले पीछे जाके सब व्यवस्था देखनी पड़ती है ना, सब लोग जो नृत्य करने वाले ठीक से हैं कि नहीं, गाने वाले ठीक से हैं कि नहीं,
ताकि जो गेस्ट आए या एक्टर जो भी आए उसके लिए सब कुछ एकदम स्मूथ हो, एकदम अच्छे से हो जाए, सारा स्टेज सेट हो जाए। तो हमारे नायक श्री कृष्ण अंदर गए, कुंज में, निकुंज में गए देखने के लिए कि सब सेट है कि नहीं। उतनी देर में वो भी गए, उनका मन भी कहीं और है नहीं, राधा रानी के लिए ही करने के लिए वहां गए हैं। और उतनी देर में इन दोनों को विरह की बसंत ऋतु है, और बसंत ऋतु के जितने भी लक्षण है वो इनके दोनों के हृदय में उतनी ही विरह जन्य पीड़ा पैदा कर रहा है। तो ये मैंने कहा ना, ये विरह से पोषित ये श्रृंगार रस है। चलिए अब थोड़ी देर और आगे जाते हैं। फिर सखी दूर से देखती है, और राधा रानी भी देख रही है दूर से देखती है, और सखी कहती है, हे राधे, हे सखी, जरा देखो तो कितने सुंदर आज भगवान लग रहे हैं। हाँ, उसके पहले एक और बात होती है, अनेक नारी परिरंभ संभ्रमम्, अनेक नारी परिरंभ संभ्रम, स्फुरन मनोहारी विलास लालसम, मुरारी मारादुपदर्शयन्त सौ सखी समक्षम पुनराहराधिकाम। कह रहे अनंतर श्री राधिका जी की सखी ने बड़ी चतुरता से श्री कृष्ण का अनुसंधान कर लिया। तो यहाँ राधा रानी चल नहीं पा रही, लेकिन दूर से सखी ने देख लिया, अरे कृष्ण वहां पर हैं, थोड़ी दूर पर दिखाई दे गया। और देखा, और जो देखा उसको वो सखी बता रही है राधा रानी को, ताकि देख करके राधा रानी को तुरंत स्मरण आ जाए, राधा रानी तुरंत होश में आ जाए और चलने लगे तेजी से कृष्ण के पास। तो इसलिए वो वर्णन करना शुरू कर दिया सखी ने। सखी ने देखा कि अति सानिध्य में श्री कृष्ण गोप युवतियों के साथ प्रमोद विलास में निमग्न आदरातिशयता को प्राप्त कर रहे हैं। उन रमणियों के द्वारा आलिंगन की उत्सुकता दिखाए जाने पर श्री कृष्ण के मन में मनोज्ञ मनोहर विलास की लालसा जाग उठी है। सखी आड़ में छिपकर राधा जी को दिखलाती हुई पुनः यह बोली। तो दूर से देखा सखी ने, कृष्ण है और कृष्ण के साथ बहुत सारी सखियां हैं, अन्य गोपियां भी हैं, और कई गोपियां उनको आलिंगन करने की इच्छा से उनके आसपास मंडरा रही हैं। तो सखी को लगा, ललिता सखी को लगा कि राधे आओ देखो, चुप करके देखो तो तुम क्या हो रहा है। इसलिए जलाने के लिए नहीं, ईर्ष्या के लिए नहीं, इसलिए कि तुम्हारे बिना कुछ होने वाला नहीं। भले इतनी इतनी गोपियां उनके आसपास मंडरा रही हैं, लेकिन उनका मन तुम्हारे में लगा हुआ है। वो किसी को नहीं मंडराने देना, वो किसी के पास उनका कुछ नहीं है, वो तो बस इंतजार कर रहे कि तुम कब आओ। तो उनके चेहरे को भी तो तुम देखो, तुम उनके चेहरे के भाव लोगे देख करके कि वो तुम्हारे इंतजार में। लेकिन अब सखी जो है उनका वर्णन कर रही है कि वो कैसे दिख रहे हैं। चलिए, बड़ा सुंदर झांकी है। चंदन चर्चित नील कलेवर पीत वसन वन माली, केली चलन मणि कुंडल मंडित गंड युग स्मित शाली, हरि मुग्ध वधूनि करे विलासनि विलसति केली परे, हरि मुग्ध मधुनि करे विलासनि विलसति केली परे, पीन पयोधर भार भरेण, पीन पयोधर भार भरेण, हरिं परिराभ्य समागम, गोपवधुर अनु गायति काचिद, गोपवधुर अनु गायति काचिद, उदंचित पंचम रागम, हरि मुग्ध वधूनि करे विलासनि विलसति केली परे, कापि विलास विलोल विलोचन, कापि विलास विलोल विलोचन,
खेलन जनित मनोजम, खेलन जनित मनोजम, ध्यायति मुग्ध मधुरधिकम्, ध्यायति मुग्ध मधुरधिकम्, मधु सूदन वदन सरोजम, मधु सूदन वदन सरोजम, हरिरिहि मुग्ध वधूनि करे, विलासनि विलसति केली परे, कापि कपोल तले मिलिता, कापि कपोल तले मिलिता, लपि तुम किमपि श्रुतिमूले, लपि तुम किमपि श्रुतिमूले, चारुचुचुम्ब नितंबवती, चारुचुचुम्ब नितंबवती, दयि तं पुलकैरनुकूले, दयि तं पुलकैरनुकूले, हरिरिहि मुग्ध वधूनि करे, विलासिनी विलसति केली परे, केली कलाकुल कुतु केन च काचिद्, केली कलाकुतु केन च काचिद्, अमुं यमुना वनकूले, अमुं यमुना वनकूले, मञ्जुल वञ्जुल कुञ्जगतं, मञ्जुल वञ्जुल कुञ्जगतं विच कर्ष करेण दुकूले, हरिरिहि मुग्ध वधूनि करे, विलासिनी विलसति केली परे, हरिरिहि मुग्ध वधूनि करे, विलासिनी विलसति केली परे, करतल ताल तरल वलयावली, करतल ताल तरल वलयावली, कलित कलस्वन वंशे, कलित कलस्वन वंशे, रास रसे सह नित्य परा, रास रसे सह नित्य परा, हरि नायुवती प्रशंसे, हरि नायुवती प्रशंसे, हरिरिहि मुग्ध वधूनि करे, विलासिनी विलसति केली परे, हरिरिह मुग्ध वधूनि करे, विलासिनी विलसति केली परे, श्लिष्यति कामपि चुम्बति कामपि, श्लिष्यति कामपि चुम्बति कामपि, कामपि रमयति रामाम्, कामपि रमयति अनुगच्छति वा मामप, रामनुगच्छति वा माम्, हरिरिहि मुग्ध वधूनि करे, विलासिनी विलसति केली परे, हरिरिहि मुग्ध
मधुनि करे बिलासनी बिलसती खेली परे श्री जय देव भणित मिद मद्भुत केशव केली रहस्यम श्री जय देव भणित मिद मद्भुत केशव केली रहस्यम वृंदावन विपिने ललितम वृंदावन विपिने ललितम वित नोति शुभानि यशस्यम वित नोति शुभानि यशस्यम हरिरिहि मुग्ध वधूनि करे विलासनि विलसति केली परे बहुत सुंदर बहुत सुंदर भगवान की झांकी है किसी का तो हाँ म्यूट कर दिया थैंक यू चलिए अब श्री जी यहाँ पर आ गई और दिखाई नहीं दे रहे थे तभी तो तुम बड़ी मानवती हो गई थी लेकिन अब सखी ने देख लिया और देख करके अब दिखा रही है कि देखो देखो सखी वहां से देखो देखो चमक रहे कौन चमक रहा है चंदन चर्चित नील कलेवर कैसा नीला उनका कलेवर है कैसी सुंदर सी पीत वसन वन माली कैसी सुंदर सी पीतांबरी ओढ़ रखी है और इतना ही नहीं है चंदन चर्चित चंदन चर्चित चंदन लगा हुआ है उनके वक्षस्थल पे आप लोग को स्मरण होगा हम लोगों ने चंदन की चर्चा की थी कि जब भगवान ने राधा रानी को आलिंगन किया तो राधा रानी के का ही चंदन उनके वक्षस्थल पर लगा हुआ है जब भी हम भगवान के वक्षस्थल को ध्यान करें तो राधा रानी का ध्यान आना चाहिए उनकी चंदन का भगवान ने बोला था ना अपना चंदन मुझ पर लगा दो इस प्रकार से और राधा रानी ने कहा था अपना कस्तूरी तिलक मुझे लगा दो तो ये तो इनमें नित्य निरंतर होता रहता है तो यहाँ पर याद दिलाया है चंदन चर्चित नील कलेवर ऐसे नहीं दिया नील कलेवर पीताम्बर वाला भाव नहीं है यहाँ पर चंदन चर्चित उस चंदन को ध्यान देंगे तो किसका ध्यान आना चाहिए राधा रानी तो कह रहे देखो कितना सुंदर इनका विग्रह इस समय चंदन चर्चित चंदन लगाए हुए हैं और नील कलेवर है और पीताम्बर ओढ़ी है और वनमाली वन की माला उन्होंने पहन के रखी है सभी फूलों की केली चलन मणि कुंडल मंडित गंड युग स्मित शाली और वो नृत्य कर रहे हैं हमारे केशव हमारे माधव नाचते रहते हैं बड़े खुश है ना इस समय पर तो कह रहे देखो ऐसे ऐसे हिल रहे और कानों में उनके कुंडल है इतने सुंदर मकराकृत कुंडल है कि कुंडल यहां से हिलके कभी यहाँ के गालों को टच करते फिर यहाँ के गालों को टच करते फिर यहाँ के गालों को टच करते भगवान का चेहरा चमकता हुआ नीला नीला सोने के कुंडल मकरा के नाच रहे तो कुंडल यहाँ टच कभी यहाँ टच कभी यहाँ टच तो कुंडल नहीं है ये कुंडलों का दर्शन करो तो ये रसिक भक्त हैं जो भगवान के कानों में है बार बार वो आकर के भगवान के कपोलों को वो छू रहे हैं तो कुंडल नहीं है ये रसिक भक्त हैं सहचरी भाव में जिन्होंने भगवान को पूजा है उनका ऐसा सौभाग्य हुआ है कि आज वो कुंडल बन करके भगवान के कपोलों को छू रहे हैं चंदन चर्चित केली चलन मणि मंड कुंडल मंडित गंड युग स्मित शाली देखो सखी स्मित स्मित यानी मुस्काना देखो सखी कितना सुंदर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं तो कैसी झांकी है चंदन लगाए हुए नीला कलेवर उस पर चंदन लगाए हुए पीत वसन पहने हुए सुंदर सी वनमाला पहने हुए और कानों में सुंदर कुंडल जो रसिक भक्त हैं वो कुंडल हिल रहे हैं और कुंडल बार बार उनके गालों को छू रहे हैं कुंडल जितनी बार गालों को छूते हैं उतने ही कुंडल और चंचल हो जाते हैं भक्त है ना इसीलिए तो जितनी बार गालों को छूते हैं उतने ही वो कुंडल भी अति चंचल हो जाते हैं हरिरिहि मुग्ध वधूनि करे विलासनि विलसति
परे, कह रहे कि हे सखी विलासनीया पर आदरणीय, कह रहे कि हे सखी वो तो सखियों के साथ विद्यमान हो करके खूब विलास विहार कर रहे हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो, तुम्हें ऐसा दूर से दिखता होगा कि वो विलास कर रहे हैं, लेकिन मैं जानती हूँ, चंदन चर्चित उनके हृदय के चंदन को देख करके मैं समझ रही हूँ कि उनका हृदय इस समय केवल आप ही को याद कर रहा है। जब तक आप उनके हृदय से आलिंगन नहीं करेंगी, तब तक उन्हें भी ये रास विरास, ये बाहरी है, ये सब बाकी लोग उनके पीछे पड़े, वो किसी के पीछे नहीं होता, आपके इंतजार में है, तो आप चलिए। तो सखी बार बार ऐसे क्यों कह रही है? भगवान के ऐसे भाव, भगवान के ऐसे रूप को बता रही है, बार बार वर्णन कर रही है, ताकि राधा रानी के अंदर भी भगवान के साथ रमण करने की लालसा जाग उठे। बस इसीलिए बार बार वो कह रही, देखो वो सखी आकर के अभी आलिंगन करने वाली है, अभी ये करने वाली है, तो ये बता रही है। लेकिन ललिता सखी का कहने का अर्थ है कि वो तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं, चलो तुम्हारा इंतजार है। पीन पयोदर भार परेण हरि परिरभ्य समागम। देखो सखी, एक उन्नत वक्ष वाली, देखो देखो दूर से दिखा रहे राधा को, हाँ राधे देखो वहां खड़े हैं हमारे माधव, हमारे बिहारी जी, और एक उन्नत वक्ष वाली गोपी उनके पास जा रही है, देखो तो, और जा करके उनको क्या कर रही है? उनका आलिंगन करने का प्रयास कर रही है, और बहुत अच्छा गाना गा रही है, खूब दृढ़ बहु बहुपाश में बांधा है उसने, और देखो तो जरा, दिख रहा है तुमको कितना अच्छा गा रही है, और भगवान भी हमारे माधव भी उनके साथ कितने उनके तालमेल तालमेल में मिला रहे हैं। तो कह रहे हैं, गोपवधूर अनु गायति काचित उदंचित पंचम रागम, कि दोनों पंचम राग में बड़ा सुंदर सुंदर गाना गा रहे हैं। पंचम राग, मुझे ज्यादा राग के बारे में पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये राग जब गाते हैं तो इसके नोट्स जो है वो आपके सीधे हार्ट के नर्व को टच करते हैं, तो पंचम जो नोट होता है म्यूजिक में वो हृदय को टच करता है, केवल उस नोट को जब हम गाते हैं तो हृदय के कुछ होने लगता है। तो सम ऑफ द सॉन्ग्स जब हम सुनते हैं कुछ कुछ गाने, तो ऐसे लगता है हृदय में कुछ हो रहा है। तो उस प्रकार के गाने, चाहे वो दुख भरे गाने क्यों ना हो, चाहे वो सुख भरे गाने क्यों ना हो, लेकिन इनके नोट्स ऐसे होते हैं वो हृदय को ही जाकर के वाइब्रेट करते हैं, ऐसे नोट्स होते हैं। तो यहाँ पर वो ये बात बता रही कि देखो लग रहा है दोनों बड़े कुछ अच्छे गाने ऐसे गा रहे हैं जिससे हृदय इन दोनों का मिला हुआ है, इस समय दोनों पंचम राग में गा रहे हैं। सखी तुम यहाँ क्या कर रही है? चलो भगवान के हृदय में स्पुरणा हो रही है तुमसे मिलने की, इसीलिए वो पंचम राग में गाना उस सखी के साथ गा रहे हैं। उस सखी को समझ में नहीं आ रहा, उसे तो लग रहा है वो उसके साथ गा रहे, लेकिन हे सखी मैं जानती हूँ, चलो चलो यहाँ से चलो, इस प्रकार से। तो चलो सखी जल्दी चलो, जब ये ठाकुर जी को कोई पहचानेगा नहीं, कोई जानता नहीं, हमारे ठाकुर जी वृंदावन के बड़े ही, मतलब वो जिसको देखेंगे ना उनको लगता है बस उन्हीं को देख रहे हैं। इस समय उस सखी को लग रहा है, उस सखी के साथ गाना गा रहे हैं, तो सखी को लग रहा है बस मुझे ही तो देख रहे हैं। ठाकुर जी का रंग बोलते हैं ना, देखो री ये नंद का छोरा बरछी मारे जाता है ना, बरछी सी तिरछी चितवन पर पैनी छुरी चलाता है, ऐसे जिसको देखेगा है मोर पंख फेंकता है, यूं छू करके चले जाता है, जहां ये नजर घुमाता है ये छोरा पैनी छुरी चलाता है, आंखों से ही केवल ये छुरी चलाता है, हमको घायल कर बेदर्दी, हमको घायल कर बेदर्दी, आप खड़ा मुस्काता है, हमको घायल कर बेदर्दी, आप खड़ा मुस्काता है, ललित किशोरी जख्मे जिगर पर, ललित किशोरी जी कहते हैं नैनों से तो इसने घायल कर दिया, जिगर पे बड़ा जख्म है इस समय, प्यार करके निकल जाते हैं ना, गायब हो जाते हैं, अभी राधा रानी को दूर छोड़ेगा ना, चाहे वहां पर वो सखी को लग रहा है उनके साथ है, अभी उनको पता नहीं सखी को अभी राधा रानी के साथ हो जाएंगे। किया था ना उन्होंने रास के पहले, तो जिसके पास है उनको मानवती हो जाती है, वो अरे हमारे साथ है, वो कब कब चले जाएंगे पता ही नहीं है उनको। तो
हमको घायल कर बेदर्दी आप बड़ा मुस्काता है, ललित किशोरी जख्मे जिगर पर नौन फुरी बुरकाता है। जिगर को जख्मी किया उसके ऊपर फिर नमक डालता है। देखो री ये नंद का छोरा बरछी मारे जाता है। अरे ऐसा ऐसे नंद के छोरे से किसको प्रेम नहीं होगा, कितनी बार भी घायल कर दे, प्रेमियों की हालत ये होती है, घायल करना कर दो, तुमको आनंद आ रहा है ना कर दो, तुमको घायल जिगर पर नमक छिड़कने में आनंद आ रहा है ना छिड़क लो। चलिए तो समझा रही हूँ उनको कि देखो स्मिता जी, ये सच्ची, भजन भेज देना, बहुत ही सुंदर है। ठीक ये भजन ना लिरिक्स मुझे ढूंढना पड़ेगा, मैंने लिखा था इसलिए है भूल गई, बट ठीक मैं है ठीक मुझे है। हाँ मिला है, आई विल सेंड यू, आई विल सेंड यू, अभी याद है, प्रेमानंद जी ओके। की, यस यस आई विल सेंड यू। हाँ हाँ तब कह रही है कि देखो सखी इनको देखो, वो सखी को लग रहा है कि उसके साथ राग में राग मिला रहे हैं, और वो भी उनको बड़े दृढ़ बहुपाश में बांध रही है, और दोनों मिलकर के बड़े सुंदर गाना गा रहे हैं, और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, चलो विलास का समय वहां पर है, यहाँ पर अकेले रह के कोई विलास नहीं होता, चलो। आगे कहते हैं, कापी विलास विलो लल विलोचन खेलन जनित मनोजम ध्यायति मुग्धवधूरधिकं मधुसूदन वदन सरोजम। कहते हैं कोई दूसरी है वहां पर, वो अपने बड़े बड़े नेत्रों के साथ इनको देख रही है, एक टक ही एक टक लगा लगा के देखती है, फिर जहां इनका नेत्र जाता फिर वहां देखती है, फिर उसकी नजर तो जैसे हट ही नहीं रही है, एक टक लगा करके ऐसे देख रही है जैसे चित्र लिखित सी हो गई है, ऐसा इनका कमल जैसा चेहरा, ऐसा खिला हुआ चेहरा मधुसूदन का, वो देखते देखते एक टक देखते देखते वो ध्यान मग्न हो गई है, चित्रलिखित से हो गई है। सखी तुम यहाँ चित्रलिखित से मत हो जाओ, कहने करती है। अब चलो हरि तो हर सखियों को देखो वो कैसा उनको आनंद दे रहे हैं, जितनी सखियां हैं उनको अलग अलग रूप से आनंद मिल रहा है, हा? वो तो आनंद ले रहे हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो, चलो। तो आगे आगे कहती दूसरी सखी के बारे में बताती है, कापी कपोल तले मिलिता। कोई तो दूसरी सखी है, उसके मन में हो रहा है कि मैं आऊं, कापी कपोल तले मिलिता लपितुम किमपि श्रुति मूले चारु चुचुम्बनितं भवति दयितं पुलकैरनुकूले। किसी सखी को मन हुआ कि ना ये मेरे पास आ जाए और मैं इनको स्नेहांकन चुम्बन दे दूं, छू लूं। अब क्या, अब कुछ ट्रिक लगाना पड़ेगा ना, कैसे बुलाऊं इतने लोगों की भीड़ में, कैसे बुलाऊं। हाँ तो जाती है, कन्हैया माधव इधर आ जाओ, तुमसे कुछ बोलना है। बोलते क्या, भीड़ में बुला रही है इशारों से, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ आ जाओ मेरे पास, आ जाओ कुछ बोलना है क्या। अब भगवान उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, अब उनको कान के पास लेके आ रही है, हाँ क्या करने के लिए, स्नेहांकन देने के लिए। और फिर बोलती, भगवान बोलते क्या बात बोलनी, बोलो जल्दी। अरे मैं तो भूल गई क्या बात बोलनी, उतनी बोल करके स्नेहांकन दे करके वहां गायब। चारु चुचुम्बनि तम भवति दयि तम पुलकैरनुकूले। उसने ऐसा किया, उसने ऐसा स्नेहांकन किया, अब ठाकुर के तो रोंगटे खड़े हो गए, रोम रोम खड़े हो गए, लेकिन उनका रोंगटे जो खड़े हो रहे हैं सखी, वो उस सखी को लग रहा है कि उसकी वजह से हो रहा है, लेकिन सत्य बात तो ये है कि वो तुम्हारा स्मरण करके उनको रोंगटे खड़े होते हैं, उनको ये जो जो उनको पुलकित होते हैं तो केवल तुम्हारे स्मरण में होते हैं। चंदन चर्चित नील कलेवर, कोई भी कुछ भी करे, इतनी भीड़ में भी वो जितनी भी सखियां कुछ भी करती हैं, वो हर एक चीज उनको तुम्हारी स्मरण दिलाती है। तो ये जो सखी आई है कान के पास आकर के बहाने मार करके बोल करके से अंकन दे करके चली गई, और भगवान हमारे एकदम पुलकर उनको बड़ा पुलकित हो रहे हैं, बड़े अनुकूल पुलक दे करके गई है सखी, वहां तो बड़ा आनंद रास विलास हो रहा है अभी, और तुम्हारा इंतजार भी हो रहा है, तुम ऐसे मत करो, चलो यहां से तुम भूल मत जाओ। हाँ तो आगे बोलते हैं, केली कलाकुत के न चकाचिद इमुम यमुना वन कूले मंजुल मंजुल
कुंजगतम विच कर्ष करेण दुकूले। कह रही कि एक सखी का मन हुआ मैं ठाकुर जी को यमुना मिले जाकर के थोड़े जल क्रीड़ा कर लू इनके साथ। तो जब ठाकुर जी इसके साथ बात कर रहे हैं, ये कानों में कुछ खुसरुबसुर कर रही है, तब तक ये आई दूसरी सखी, उनका पीताम्बर खींची, उनका वस्त्र खींची, खींच करके उनको यमुना मिले गई। वे इसी का कुंज है, कुंज में ले गई वहां पर और यमुना मिले करके जाकर के उसने अपनी इच्छा पूरी की। सखी देखो तो कितना आनंद विहार वहां पर हो रहा है, तुम यहाँ इस तरह से मत करो, चलो यहाँ से आगे। कर तल ताल तरल वलयावली कलित कलस्वन वंशे रास रसे सह नित्य पराहरी नायुवती प्रशंसे। सखी वहां से तो बच के भगवान आए यमुना मीजी से निकल करके, अब यहाँ पर दूसरी दूसरी गोपियां हैं, उन्होंने घेर लिया उनको। आओ ठाकुर जी, आओ ठाकुर जी, है आओ लाल जी, कहाँ पर आओ, आओ यहाँ पर आओ, चलो नाचते हैं। और ये गाना गा रही है, ताली पीटने लगी और भगवान को नचा रही है, भगवान भी ताली पीट पीट करके नचा रहा है, खूब करताल बज रहे, वो करताल बजा रहे हैं, ये अपनी कमरे हिला रही है तो उनकी करधनिया बज रही है, अपने ये पाद विन्यास इस तरह से कर रही है पद विन्यास कि उसमें भी उनके नूपुर बज रहे हैं, तो तालियां बज रही है, कमर की किंकड़ियां बज रही है, है करधनिया सारी उनके अंदर किंकड़ी है वो सब बज रही है, कमर करधनी बज रही है, नूपुर बज रहे हैं, पद जैसे पढ़ रहे हैं उसकी आवाज उसकी ताल। तो नूपुर और ये सारे मतलब कहने का अर्थ है कि वहां पर जैसे इस समय खूब अपूर्व स्वर साम्राज्य प्रकट हो गया है, तो सब लोग नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं, सब लोग आनंद ले रहे हैं। सखी सुनो, उस आवाज को सुनो, देखो हम क्यों इतनी दूर है, चलो यहां से। और देखो वो नृत्य कर रही है और लाल जी को देखो कैसी प्रशंसा कर रहे सबकी, वाह 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 क्या गा रही हो, वाह वाह क्या नृत्य कर रही हो, खूब ताली बजा बजा के प्रशंसा कर रहे हैं, वाह 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 वाह। और जैसे जैसे वो ताली बजाते वैसे वैसे और नृत्य होते जा रहे। तो आगे का जो श्लोक है बड़ा सुंदर है, खूब ताली बजा रहे हैं। तो गोपियां कहती अच्छा, यहाँ पर लिखा है रास रसे सह नित्य पराहरी नायुवती प्रशसन से, वो नित्य कर रही है और जो हमारे माधव है हमारे लाल जी है उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। तो वो कहते अच्छा बड़ी प्रशंसा कर रहे हो तो पुरस्कार देना पड़ेगा, हमारा नृत्य अच्छा लगाना, हमारा गायन अच्छा लगाना। तो लाल जी ट्रॉफी रिवॉर्ड हमको क्या दोगे आप, कुछ तो पुरस्कार देना पड़ेगा, पुरस्कार क्या चाहिए। श्लिष्यति कामपि चुंबति कामपि कामपि रमयति रामं पश्यति सस्मित चारुतराम परामनुगच्छति वाम। कह रहे पुरस्कार, पुरस्कार तो यही है हमारा, क्या श्लिष्यति कोई आलिंगन करे, चुंबन दे, आलिंगन दे दो, चुंबन दे दो, स्नेह भरी दृष्टि से हमको देख लो। और क्या चाहिए रसिकों को, और क्या चाहिए, यही पुरस्कार है, बस आप हमें देखिए, आप हमसे प्रेम करिए, आप हमें आलिंगन दीजिए, इतना ही। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सारी सखियां आई है जो बहुत प्रसन्न हो रहे हैं भगवान को देख करके, भगवान भी उनको देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, तो वो पुरस्कार के रूप में यही बोल रही हैं। कोई तो आकर के उनके पास बैठ जाती है, कोई आकर के उनको छू लेती है, भगवान आलिंगन कर देते हैं, कोई आकर के उनको बस घूर घूर के देख ही रही है और ध्यान मग्न हो रही है उनको देख देख करके, चित्र लिखित हो रही है, बस यही सब पुरस्कार लेती हुई सखियां वहां पर आनंद मना रही है, रास विलास हो रहा है, खूब विहार कर रहे हैं, बड़ा आनंद का वातावरण है। हे सखी राधिके तुम यहाँ क्या कर रही हो, चलो। जयदेव जी कहते हैं श्री जय देव भणित मिदम अद्भुत केशव केली रहस्यम
शुभानी यशस्यम्। जयदेव जी कहते हैं ये जो भगवान की रहस्यपूर्ण क्रिया है जो वृंदावन में हो रही है, ये बहुत ही ललित रास की केलियां जो प्रकट हो रही हैं, ये महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ये उनको व्याकुल कर रही हैं वहां पर सखियों को रसिकों को, लेकिन ये व्याकुल करने वाली जो केलियां हैं ये आप लोगों को आनंद दे। आप जो रसिक जन जो श्रोता हैं जो इन पदों को पढ़ रहे हैं उन रसिकों को आनंद दे, उन रसिकों के यश का विस्तार करे, इन पदों में जो केलियां हो रही हैं इनके यश का विस्तार करें। तो रसिकों का यश किसमें है, रसिकों के को यश किसमें मिलता है, उनके लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए बस, वही रसिकों को वो मिल गया तो वो बड़े खुश हो जाते हैं। तो रसिकों को का लक्ष्य क्या होता है, क्या चाहिए लक्ष्य हम लोगों को, हम रसिकों को क्या चाहिए, हमें केवल इतना चाहिए होता है बस मंजरी भाव में मिल जाए, हमें वो सहचरी वपु सहचरी का रूप हमें मिल जाए। रसिकों का यश इसी में है कि उन्हें मंजरी भाव मिल जाए, रसिकों का यश इसी में है सहचरी रूप प्रकट हो जाए, इसके अलावा रसिकों को और कुछ नहीं चाहिए। तो कहते हैं कि जयदेव जी यहाँ पर आशीर्वाद देते हैं कि आप सबको इन पदों को पढ़ने वालों को सुनने वालों को श्रोतागण को ये आशीर्वाद भगवान दे कि आप लोगों का यश बढ़ जाए, यानी आपको सहचरी भाव प्राप्त हो जाए, आपकी रसिकता और बढ़े, आप रस में और डूब जाए। ये ग्रंथ बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है, साक्षात राधा रानी की अनुराग मूर्ति है ये ग्रंथ। तो इसमें हम लोगों ने इसको समाप्त तो कर दिया है, लेकिन लास्ट के कुछ पैराग्राफ है उनको भी मैं पढ़ देती हूँ, तब जाकर के ये पूरा समाप्त होगा। विश्वेशाम विश्वेशाम अनुरंजनेन जन्यन्नानद मिदिम मिंदिवर श्रेणी श्यामल कोमलैरूप नयन अनंगैरनंग अनंगोत्सवम स्वच्छंदम व्रज सुंदरी भीरभितः प्रत्यंगम आलिंगितः श्रृंगार सखी मूर्तिमानीव मधौ मुग्धो हरि क्रीडितः। पहले पूरे अष्टपदी बोलते हैं जयदेव जी, उसके बाद फिर हमेशा उसको समराइज करते हैं। तो ये समराइज करते हुए पैराग्राफ में कहते हैं कि हे सखी, इस वसंत काल में विलास रस में उन्मत्त श्री कृष्ण मूर्तिमान श्रृंगार रस स्वरूप होकर विहार कर रहे हैं। तो भगवान मूर्तिमान श्रृंगार रस का स्वरूप और ये पदे श्री जी की अनुराग का स्वरूप। वे इंदिवर कमल से नील कमल से भी अतीव अभिराम कोमल, मतलब कोमल यानी भगवान सुकुमार हैं, श्यामल नीले नीले रंग के हैं, अंगों से कंदर्प महोत्सव का संपादन कर रहे हैं, मतलब कंदर्प महोत्सव का संपादन यानी अभी प्रेम की लीला यहाँ पर शुरू होने वाली है। गोपियों की जितनी भी अभिलाषाएं हैं, रसिकों की जितनी भी अभिलाषाएं हैं, उससे भी कहीं अधिक उनकी उन्मत्त लालसाओं को अति अनुराग के साथ तृप्त कर रहे हैं। परंतु ब्रज सुंदरियां विपरीत रति रस में आविष्ट हो विवश होकर उनके प्रत्येक अंग प्रत्यंग को सम्यक एवं स्वतंत्र रूप से आलंगित कर रही हैं। वो तो रस का संपादन करने वाले हैं, सखियां अपने अपने तरीके से उन भावों को वो व्यक्त कर रहे हैं, कोई आलिंगन कर रहा है, कोई चुंबन कर रहा है, कोई ध्यान मग्न हो रहा है, सब वो व्यक्त कर रहे हैं। आगे कहते हैं अंत में, रासोल्लास भरेण विभ्रम भृता माभीर वाम भ्रुवा साधु तद्वदनं सुधामयमीति व्यारित्य गीत स्तुति व्याजात अद्भुत चुंबितः स्मित मनो हरि हरि हि पातु वः। इति श्री गीत गोविंद महाकाव्ये सामोद दामोदर नाम प्रथम सर्गः। कहते हैं इतना होने के बाद, इतनी सारी बातें सुनने के बाद राधा रानी के मन में हृदय में इतना प्रेम का ज्वार आया, ऐसा प्रेम आया
वहां से निकली उस जगह से, और जाते ही भूल गई कि दुनिया में अब यहाँ कोई आजू बाजू है, सारी सखियां कुछ नहीं, प्रेम में अंधी हो गई। कहते हैं प्रेम अंधया राधे राधया, अंधी होकर के जा करके तुरंत सबके सामने उन्होंने भगवान को आलिंगन कर लिया कस करके, भूल गई कुंज है निकुंज है, यमुना है सखिया है नित्य हो रहा, सब भूल गई। अब तो जहां देख रही है केवल कृष्ण है, कृष्ण को जाकर के तुरंत आलिंगन करके जैसे सब कुछ समाप्त हो गया, उनकी नजरों के सामने कुछ नहीं रहा केवल कृष्ण के लिए, कृष्ण के अलावा। तो जिस कृष्ण के प्रेम में अंधी होकर विमुग्धा श्री राधा, लज्जा शून्य होकर रास लीला के प्रेम में विवला शुभ्रा गोपांगनाओं के समक्ष ही उनके वक्षस्थल का सुदृढ़ रूप से आलिंगन कर, आहा नाथ तुम्हारा मदन कमल कितना सुंदर है, राधा बोले कितने सुंदर हो तुम, कैसी अनुपम सुधा राशि का आकार है। इस प्रकार स्तुति गान करती हुई सुचारू रूप से राधा रानी चुंबन करने लगी तथा श्री राधा की ऐसी प्रेमाशक्ति को देखकर हृदय में स्वतः स्फूर्त आनंद के कारण, तो राधा रानी प्रेम से लगी हुई है और भूल गई सब कुछ, चुंबन कर रही है प्यार में, और वो लेकर के भगवान भी उतने ही प्रेम में मुग्ध हुए जा रहे हैं, उनके चेहरे पे वैसी मुस्कान खिलती जा रही है, बड़ी की बड़ी होती जा रही है, आनंद भरता जा रहा है, पुलकित होते जा रहे हैं। तो कह रहे हैं ऐसी प्रेम आसक्ति को देखकर हृदय में स्वतः स्फूर्त आनंद के कारण जिस श्री कृष्ण का मुख कमल मनोहर हास्य भूषण से विभूषित होने लगा, ऐसे श्री कृष्ण आपका मंगल विधान करें। यहां पर इसका नाम दिया है सामोद दामोदर, ये प्रथम सर्ग था। तो सामोद दामोदर, सामोद यानी मोद यानी आनंद, जो आनंद के युक्त जो दामोदर है, दामोदर यानी कौन होते हैं, जिनको पेट बांधना था ना उखल उखल लीला में, जिनको बांध दिया था वो है दामोदर, है ना। लेकिन यहां पर दामोदर का अर्थ है कि भगवान स्वतंत्र रहना नहीं चाहते, अपने प्रेमियों के रस्सी में हमेशा बंधे रहना चाहते हैं। तो इस समय राधा रानी के रस्सी में बंधे हुए हैं, इतना ही नहीं है जितनी गोपियों ने उन्हें उन्हें घेर करके रखा हुआ है, गोपियां उनसे जो कुछ करवा रही हैं वो कर रहे हैं इस समय पर, क्योंकि प्रेम की रस्सी में बंधना उनको अच्छा लगता है। ऐसे प्रेम की रस्सी में बंधे हुए मनोहर श्री कृष्ण आप सबका मंगल विधान करें। इसके साथ आज की अष्टपदी यहीं पर रोकते हैं, कल नहीं अष्टपदी करेंगे। पर ये जो आप पढ़ रहे थे वो उसी का आपने हमें प्रिंट आउट से भेजा है हाँ, पिक्चर्स? लास्ट के शायद लास्ट के दो का भेजा नहीं है शायद, अभी जो लास्ट का दो भेजा जो हाँ पहला वही करेक्ट, बट दिस इज द सेम बुक राइट, द पिक्चर्स यू सेंड? ओके ओके ओके। और ये तो बहुत सुंदर था आज का, तो बहुत ही अमेजिंग है। लेकिन ये उसमें विरह आप बोल रहे थे ना एंड में जाके मिलते हैं, पर ये चौथे अष्टपदी में भी मिलते हैं। हाँ अभी मिले, अभी एक बार गले लगे हैं, अब अगले उसमें उनको विरह होने लगेगा, तो देखो तो ओह अभी माय मिला नहीं, गॉड। अच्छा अभी मिले हुए हैं, तुमको मिलने हाँ, अभी दो। बहुत सुंदर, अभी तो बहुत ही प्यारा था आज का, तो मतलब फोर्थ हाँ जो अष्टपदी इतना तो अच्छा हुआ, अमेजिंग है। चंदन चंदन चर्चित बोलते हैं, ऐसा लगता है दिल को ठंडक मिलती है, हमारे दिल हमारे लगता है। एग्जैक्टली exactly. इसीलिए बहुत ही सुंदर, ये मेरी तो ये लगता है फेवरेट ही हो जाएगी चौथी अष्टपदी, इट्स अमेजिंग सबकी फेवरेट है यार, ब्यूटीफुल। रोज पढ़ना चंदन चर्चित, अच्छा रोज बोलता इसमें विरह और मिलन की है ना, हूँ। विरह मिलन, अब मिले हाँ हैं तो तब वो गाना याद आता है, गुनगुना रहे हैं बबरे खिल रही खबर कल। खिल रही है ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल उसके आज बाजू और वो लोग। आपने तो माता वहीं पहुंचा दिया वो हम जब लोग सीता जी पढ़ती है तो वहीं लोग में जाना चाहिए वही जाना चाहिए बिल्कुल।